मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम कोडी स्टार डी एक्स कफ सिरप का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस कोडी स्टार डी एक्स कफ सिरप के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल दिख रहा है जो कि कोडी स्टार डीएक्स है और ये फ़िलहाल 50 ml का बॉटल मेरे पास है। और कंपनी की बात किया जाए तो देखिए ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके ड्रग पे डॉक्टर लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ये ड्रग हमें इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाता है इस कंपनी का ड्रग। और कंपोजिशन की बात करें तो देखिए इसमें डेक्सोमेथोरफेन 10 mg डाला गया है और क्लोरोफेनरमीन इसमें 4 mg डाला गया है। तो चलिए अब जानते हैं इसके यूज़ के बारे में डिटेल में। देखिए ये ड्राई कफ के लिए है, यानी कि जिनको सूखी खांसी आती है उन कंडीशन में वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कफ सिरप का कई जगह इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग जानते हैं कि कफ सिरप को बस हम खांसी में यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। कफ सिरप को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी की नाक बहुत ज़्यादा बहती हो तो उन कंडीशन में कफ सिरप यूज़ किया जाता है, या फिर जिनके गले में खराश हो यानी कि चुभन टाइप हो, गले में खराश हो जाता है उसको भी दूर करता है, या नाक जाम वगैरह हो जाती है तो उसे भी कफ सिरप दूर करता है, और हल्की फुल्की खांसी आ रही है तो उसमें भी अच्छा काम करता है। देखिए ये कोडी स्टार डीएक्स सिरप है, इसका मैंने कई मरीज़ों पे ट्रायल किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ख़ासतौर से उन खांसी के लिए जो सुरोरी होके एक एक दो दो मिनट लोग लगातार खांसते हैं, उन खांसी पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और इसके 2-3-4 खुराक में जो खांसी है कितनी भी ज़्यादा तेज़ आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। देखिए ये ड्राई कफ के लिए, यानी कि जो कफ हमारे सीने में बिल्कुल जम जाते हैं जो कि बाहर नहीं निकलते, उन्हें ये बाहर निकालता है और हमारी खांसी, हमें खांसी से छुटकारा दिलाता है। डोज़ की बात करें तो देखिए इसका जो डोज़ है एडल्ट में 10 ml दिन भर में 3 बार लेना है और बच्चों में देना चाह रहे हैं, जैसे कि 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट खास कुछ खास नहीं होता क्योंकि हर कफ सिरप थोड़ा सा कड़वा होता है, बहुत से लोग नहीं पीना चाहते हैं। और देखिए कभी भी कोई कफ सिरप आप यूज़ कर रहे हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज करें, जैसे कि ठंडा पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ये बचाव होता है कफ सिरप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट मान लीजिए कि जिन लोगों को डेक्सोमेथोरफेन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनरमीन से इन्ग्रीडियंट से एलर्जी है तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और बहुत से लोगों को इसको देने पे थोड़ा सा सुस्ती बना रहता है, नींद वगैरह की शिकायत आती है, इसलिए इसको कभी भी पिएँ तो लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, यानी कि लंबी गाड़ी ना चलाएं या कोई मशीनरी वर्क ना करें। तो ये था कोडी स्टार डीएक्स के बारे में सब कुछ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।